हेलो दोस्तों, एक से बढ़कर एक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अलग है। शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, ना ही आपने ऐसे चीज का अनुमान लगाया होगा। आप इसके बारे में जानकर अचंभित हो जाएंगे और साथ ही साथ बहुत खुश भी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हर घर में हमें बीमार इंसान देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आज के समय में सब किसी न किसी बीमारी को फेस करते हैं, जैसे पेट में दर्द, सर में दर्द और भी बहुत कुछ। और हृदय रोग बड़ी बीमारियों में से एक है। आजकल कम उम्र के लोगों में भी हृदय की बीमारी हो रही है। जब तक हम टेस्ट ना करवाएं, तब तक हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि हमें दिल की बीमारी है या कुछ और। कभी कभी टेस्ट करवाने के बावजूद भी क्लियरली पता नहीं चल पाता कि वो बीमारी है या नहीं। टेस्ट के भी काफ़ी प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन सोचिए, काश ऐसा हो कि बिना कोई टेस्ट किए, बिना ब्लड टेस्ट हुए, सिर्फ हमें देख के बीमारी का पता चल जाए तो कितना अच्छा होता ना। इससे हमें भी आसानी होती और डॉक्टर को भी आसानी होती। आज के समय में लोगों के पास समय बहुत कम होता है, हॉस्पिटल में लाइन लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाते, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते और अपनी बीमारी को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इस तकनीक से पेशेंट और डॉक्टर दोनों को लाभ हो सकता है। दरअसल गूगल और उसके स्वास्थ्य तकनीक सहायक कंपनी के वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग के उपयोग से किसी भी व्यक्ति में हृदय रोग के खतरे का आकलन करने का एक नया तरीका खोज लिया है। गूगल के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित की है जो केवल इंसानों की आंख की रेटिना की तस्वीर को स्कैन करके बता सकता है कि उसे हृदय की बीमारी है या नहीं, जिसमें व्यक्ति की आयु, रक्तचाप के बारे में भी पता लगाया जा सकता है और ये भी बताया जा सकता है कि बंदा धूम्रपान करता है या नहीं। इसका उपयोग इंसान को हृदय रोग से बचाने के लिए किया जाएगा, जिससे इंसान को पहले ही उनके दिल से जुड़ी बीमारी का अनुमान लग जाएगा, जैसे हार्ट अटैक के बारे में। और आपको बता दें कि इसकी रिपोर्ट और प्रेजेंट टाइम के लीडिंग मेथड्स की रिपोर्ट बहुत ही सिमिलर होगी। ये एल्गोरिदम संभावित रूप से रोगियों के हृदय रोग का जांच करने के लिए डॉक्टरों की तेजी से मदद करता है और आसान भी बनाता है, क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्लिनिक में इसका उपयोग करने से पहले इसको और अधिक अच्छी तरह से परीक्षण करने की आवश्यकता है। गूगल्स एल्गोरिदम के सामने दो इंसानों की रेटिना की तस्वीर रखी गई। एक इंसान पिछले 5 साल से हृदय की बीमारी से पीड़ित था, जबकि दूसरा स्वस्थ था। एल्गोरिदम ने दोनों के बारे में सटीक जानकारी दी। एल्गोरिदम ने हृदय की बीमारी से पीड़ित के बारे में बताया कि इसमें 70% हृदयघात की खतरा है। ब्लड टेस्ट कराने पर भी यही पता चला कि इस व्यक्ति में 72% हार्ट अटैक का खतरा है। एल्गोरिदम को प्रिपेयर करने के लिए गूगल और वर्ल्डलिस के वैज्ञानिकों ने लगभग 3 लाख रोगियों के मेडिकल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया। इस डेटा में आंखों के स्कैन के साथ साथ सामान्य चिकित्सा डेटा भी शामिल था। हालांकि हमारे आंखों को देख के बीमारी का पता चलना सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आंख की पिछली आंतरिक दीवार निधि रक्त वाहिकाओं से भरा हुआ है, जो शरीर के ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, जहां कैमरे और माइक्रोस्कोप के मदद से अध्ययन करके डॉक्टर किसी व्यक्ति के रक्तचाप, आयु और वो धूम्रपान करता है कि नहीं और कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य सभी महत्वपूर्ण चीजें अनुमान लगा सकता है। एलन हक्स, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने कहा, गूगल्स अप्रोच साउंडेड क्रेडिबल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लुकिंग एट द रेटिना टू प्रेडिक्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा के मौजूदा रूपों को तेज करने की क्षमता रखता है, लेकिन एल्गोरिदम पर भरोसा करने से पहले परीक्षण करने की आवश्यकता है। इससे हृदय से संबंधित बीमारी का इलाज करने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। समय रहते बीमारी का पता चलने पर मरीज का इलाज जल्द शुरू किया जा सकेगा, जिससे उनके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी और शायद ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत भी ना पड़े। गूगल के लिए ये सिर्फ कार्डियोवास्कुलर रिस्क को नई तरीके से जांचना नहीं है,
It points the way toward a new AI-powered paradigm for scientific discovery. जबकि अधिकांश मेडिकल एल्गोरिदम है एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टूल को रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे त्वचा कैंसर की पहचान करने के लिए, लेकिन इस एल्गोरिदम से एग्जिस्टिंग मेडिकल डाटा को एनालाइज नए तरीके से किया जा सकेगा। बहुत लोग अपने घर के लोगों से छिपकर धूम्रपान करते हैं, लेकिन अब गूगल द्वारा विकसित की गई इस प्रणाली के जरिए किसी भी की वास्तविकता, उम्र और ब्लड प्रेशर के अलावा यह भी पता चल सकेगा कि व्यक्ति धूम्रपान करता है या नहीं। ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हम इससे अपनी जांच भी आसानी से करवा पाएंगे। लेकिन क्या ये आसानी से हर एक क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा जगहों पर उपलब्ध हो पाएगा? क्या ये रिजनेबल होगा? क्या इससे आम इंसान अपनी जाँच करवा पाएंगे? क्या आम इंसान भी अपने हृदय रोग के बारे में पहले से जान पाएंगे? अगर इसका फायदा सभी लोग उठा पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सजेशन दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।